दिस इज सादिया इरफान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और आज से बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। तो हम कर रहे हैं नाश्ता और नाश्ते में सिर्फ मैंने आज रस और बिस्किट निकाल लिए हैं क्योंकि मेरी पकाने की कुछ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी परांठे, और बच्चे वैसे परांठे ना ज़्यादा शौक से खाते भी नहीं अगर अंडा वगैरह सालन ना हो तो। और बस यहाँ पर अफ़ान का मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ रिज़ल्ट, इनका मिड टर्म का रिज़ल्ट आ गया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 99.2% आई है इनकी, पूरे पूरे नंबर आए बस, और A1 ग्रेड बना है इनका, बहुत ही अच्छा, मेरी उम्मीद से भी अच्छा इनका रिजल्ट बना है माशाल्लाह से। आप सब ने माशाल्लाह कहना है और दुआ भी करनी है कि आइंदा फाइनल टर्म में इनका इससे भी अच्छा आए। पकड़ 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 लो इसको, पकड़ लो। आज अजान साहब भी घर में और प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़ों पे। अजान पहले चादर तो बिछा लो। बच्चों की शरारती तो यहाँ चलती रहती है और बच्चे खेल कूद करते रहते हैं और मुहिबा भी बहुत माशाल्लाह खेल कूद करती है हमारे घर पर आकर। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी दुल्हन का प्यारा प्यारी दुल्हन का प्यारा सा जहेज का सामान और उनकी जो भी शादी का सामान है वो सब यहाँ पर लगाया हुआ है और मैं भी देखने गई थी। और आज से शादी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इनका सारा सामान लगा हुआ है माशाल्लाह, हर चीज़ है ज़रूरत की, यूज़ करने की हर चीज़ दी है इनके वालदैन ने। अल्लाह ताला इनका इस तरह से अपनी बेटी को देना कबूल फरमाए और बेटी इस्तेमाल करे हर चीज़, और नए घर में जाकर अपनी तमाम तर रहमतें अल्लाह ताला की और बरकतें उस घर में नाजिल हों जहाँ पर ये हमारी प्यारी बेटी जा रही हैं, और इनके नसीब भी बुलंद करे अल्लाह ताला। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी फ़ाइन क्वालिटी की थी, कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त थे, सारे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। फ्रिज वगैरह, ये सूट भी गोटे का सूट था पिंक वाला, बहुत प्यारा था, अबाया वगैरह हर चीज़ थी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो ना हो। ससुराल वालों के ये कपड़े हैं और ज़रूरत की हर चीज़ है माशाल्लाह से। क्रॉकरी भी बहुत अच्छी थी और सैंडल्स भी बहुत अच्छी थी और जो भी घर के यूज़ के सामान होता है वो सब भी बहुत अच्छा था। तो बस माशाल्लाह से अल्लाह हर, देखें गरीब से गरीब बंदा हो या अमीर से अमीर हो, हर इंसान अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। तो बस अल्लाह ताला माँ बाप की इस कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए। और यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार और भी रिलेटिव सब आ रहे थे, देख रहे थे, और इसके बाद फिर जहेज जाना था ससुराल में क्योंकि आज से शादी स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको शादी के जितने भी इवेंट में अटेंड करूँगी ना, सारे अटेंड करूँगी, तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अपना लुक भी शेयर करूँगी और फेस नहीं दिखाऊँगी दुल्हन का, लेकिन मैं दुल्हन के कपड़े वगैरह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह की बरी आई है और भात भी हमने किस तरह का चढ़ाया है, क्योंकि हमारी कल का जो इवेंट है ना माइयों का, उसमें हमारी सिस्टर का अकीका है उनकी फैमिली में, तो वो अपना अकीका, अपने बच्ची का अकीका, सबका अकीका कर रही है, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कैसा भात चढ़ाया है हमने। और इसके बाद मैं आ गई थी पॉलर, मुझे पॉलर में थोड़ी सी सर्विसेज लेनी थी क्योंकि मुझे आईब्रो वगैरह ब्लीच है और इसके साथ साथ अपर लिप वगैरह ये सब थ्रेडिंग करवानी थी। तो मैं उसके बाद ना मैं और आयशा आ गए थे, उसके बाद फिर मैं मुझे मार्केट भी जाना था यार, मुझे स्ट्रॉलर वगैरह मेरे कुछ मैचिंग के नहीं थे, वो मुझे लेने थे, तो हस्बैंड आए थे रात में, तो मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट किया, बहुत जिद करने के बाद वो मुझे मार्केट ले गए थे एक घंटे के लिए, जहाँ पे मुझे कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था अपना और स्ट्रॉलर लेने थे मैचिंग के। मेरा पीकॉक कलर का सूट है, सूट नहीं मैक्सी है, जो कि मैं बारात में पहनूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, उसकी मैचिंग का मेरे पास कोई भी स्ट्रॉलर नहीं है और उस पर कोई कंट्रास्ट भी नहीं जाएगा, तो मैंने कहा मैचिंग का चाहिए मुझे, प्लीज़ ले चलें। और इसके अलावा मेरा जो वलीमे का सूट है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके साथ भी मैंने एक स्ट्रॉलर लिया है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने भाग भाग के मार्केट जा रहे हैं हम और चल रहे हैं मार्केट में जल्दी जल्दी, क्योंकि शॉप्स भी बंद होना शुरू हो गई थी यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया था, हमारी मार्केटें 10 बजे क्लोज़ होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर बस बंद होना शुरू हो गई थी। और मैं यहाँ पर देख रही थी स्टॉलर, ये सारे जितने भी पीकॉक कलर के उनके पास स्टॉलर थे ना, वो सब निकलवा लिए थे। तो आजकल वैसे भी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, वो सिल्क के प्लेन स्टॉलर्स चल रहे हैं, सिल्क के चल रहे हैं ज़्यादातर और क्रिंकल टाइप के चल रहे हैं, तो बस मैंने भी सिल्क का एक डबल शेड का ले लिया था, जो साइड में आपको रखा हुआ दिख रहा है ना पीकॉक और नेवी ब्लू कलर का डबल शेड में जो है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, स्टफ भी बहुत सॉफ्ट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद होने वाली है, तो मुझे बस कॉस्मेटिक की एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैं चली गई थी हमारे करीबी एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पर जैसे
मार्ट होते हैं ना, इस तरह का मार्ट बना हुआ है बहुत बड़ा, वहां पर हर तरह का कॉस्मेटिक, हर ब्रांड का कॉस्मेटिक मिल जाता है। तो मुझे मिस रोज की लेनी थी फाउंडेशन, और साथ साथ मुझे कॉम्पैक्ट लेना था और लैशेज लेनी थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे शेड निकलवा लिए थे, और जो मुझे बहुत सबसे ज्यादा बेहतर लगा वो मैंने मिस रोज का लिक्विड फाउंडेशन अपने लिए परचेज कर लिया था, क्योंकि मेरा फाउंडेशन लोरियाल का है और मैं वो यूज करती थी, लेकिन वो खत्म हो गया। और यहाँ पर ना लोरियाल मिलता नहीं है, तारिक रोड साइड पर लोरियाल वगैरह और मेबेलिन वगैरह सब अच्छे से मिल जाते हैं, हर साइज के मिल जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर से नहीं लिया, मैंने मिस रोज का ले लिया। मैंने कहा चलो काम तो चलाना है ना, मुझे वैसे भी शादी के इवेंट अटेंड करने हैं और मुझे लिक्विड फाउंडेशन तो लाजमी है, क्योंकि मैं लिक्विड फाउंडेशन ही यूज करती हूँ। बस फिर वो मैंने चीजें ले ली थी और हम ले गए, लेते हुए निकले थे सूप, और घर जाते रहते हमने सूप ले लिया था, चाइनीज सूप भी लिया था और यखनी वाला भी लिया था, और उसके बाद हम घर आ गए थे जी। तो ये था हमारी दुल्हन का सामान जो कि इनके पेरेंट्स ने दिया है और सब बहन भाइयों ने, भाइयों ने बहनों ने मिलकर दिया है। तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और नए घर में जो हमारी दुल्हन जा रही हैं उनके नसीब अल्लाह ताला बुलंद करे, और जिस घर में भी जा रही हैं उन घर वालों पे भी अपना अल्लाह ताला खास रहमतें और बरकतें नाजिल करे। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा अपनी नई आने वाली जिंदगी में खुश और आबाद रखे, और हम दुआ कर सकते हैं कबूल वाले, कबूल करने वाली जात जो है ना अल्लाह ताला की है। आप सबसे भी दुआ है कि नई दुल्हन के लिए जो नई हमारी बहन अपने नए घर जा रही हैं शादी होकर, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनके नसीब अच्छे हों और वो खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। तो बस अब काफ़ी रात हो गई है, और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अभी हो गया है रात का टाइम और मैं काफ़ी थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा बहुत थक गई हूँ काफ़ी थक गई हूँ मैं, काम इतने होते हैं ना कि काम तो ख़त्म ही नहीं होते। बस अभी बिस्तर बिस्तर लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। और मैंने पता है जब से मैं पार्लर से आया हूँ ना, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, भात की तैयारी कर रहे हैं, और कल इवेंट है हमारा माइयों का जिसमें अकीका भी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसमें हमारी सिस्टर के बच्चों का अकीका भी है और भात भी देना है हमें। तो फिर बस कल की पूरी तैयारी आपसे शेयर करूंगी, और इसके साथ साथ जो है ना आपसे मैं अपना लुक भी शेयर करूंगी, मेकअप भी शेयर करूंगी। तो बस आपने कहीं नहीं जाना, मेरे चैनल पे ही रहना है और वीडियो देखते रहना है और एंड तक देखनी है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गले में भी बहुत दर्द है, गानों में गए थे तो बस उसकी वजह से हंस हंस के बातें कर करके ना गले में भी इतनी स्वेलिंग आ गई है। और अभी जाती हूँ मैं, कपड़े वपड़े प्रेस करती हूँ और कल की तैयारी करती हूँ। रहिएगा मेरे साथ, डोंट गो एनीवेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।